खजाना वास्तव में मिल गया? मिल गया महाराज, हम दोनों को खजाना मिल गया, किंतु गुरुजी ने हमसे छीन लिया। हाँ महाराज, हमारे गुरुजी ने कहा कि ये खजाना हमको दे दो, हम महाराज को दिखा देंगे, तत्पश्चात वापिस कर देंगे। परंतु गुरुजी ने दिया नहीं। गुरुजी के पास है पोटली, हमारे पास कहाँ है, उसी के ऊपर तो बैठे हैं गुरुजी आप। गुरुवर दिखाइए दिखाइए, खजाना दिखाइए सबको। महाराज ये तो खरे स्वर्ण की ईंटें हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु क्या ये खजाना हम दोनों धनी मनी रख लें? देवी माँ ने हम दोनों को दिया था। परंतु ये कैसे संभव है कि देवी माँ सचमुच में खजाना दे दे? महाराज महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो। महाराज देवी माँ ने हमें फिर से दर्शन दिए हैं। खजाना भी दिया क्या? नहीं गुरुवर, देवी माँ ने एक संदेश भेजा है, वो भी केवल पंडित रामकृष्णा के लिए। अब कैसा संदेश? संदेश ये है महाराज कि पंडित रामकृष्णा को अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु अथवा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति को देवी माँ को भेंट करना होगा, जिसे देवी माँ अपने साथ लेकर जाएगी। ये किस प्रकार का संदेश है? देवी माँ भला ऐसा क्यों कहेंगी? किंतु पंडित रामकृष्णा, देवी माँ ने ही ऐसा कहा है, एक से नहीं अनेकों से कहा है। हाँ गुरुवर, किंतु देवी माँ भला ऐसा क्यों चाहेंगी? वो अपने भक्त को कष्ट क्यों देना चाहेंगी? आपका कथन सर्वथा उचित है पंडित रामकृष्णा, देवी माँ अपने भक्तों से ऐसी मांग कर ही नहीं सकती। किंतु महाराज हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि देवी माँ ने इन सबको दर्शन दिए और खजाना भी प्राप्त हुआ है, और इस बात के ये सब साक्षी हैं। महाराज देवी माँ की लीला है, देवी माँ की लीला देवी माँ ही जाने। किंतु हमारे विचार में यदि देवी माँ ने कहा है कि उनकी इच्छा की पूर्ति हो और उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं की गई, तो महाराज विजयनगर पर देवी माँ का प्रकोप आ सकता है। हमें अधिक सोचने विचारने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज, देवी माँ की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। गुरुवर महाराज, महाराज सब लोग सत्य कह रहे हैं महाराज, सब सत्य कह रहे हैं, देवी माँ ने हमें भी दर्शन दिए हैं महाराज। अवश्य ही हमारे द्वारा बनाए हुए भोग से देवी माँ प्रसन्न हो गई होंगी, इसीलिए उन्होंने हमें दर्शन दिए होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मेरा मतलब आप क्या कह रही हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? हम सत्य कह रहे हैं महाराज, देवी माँ ने कहा है कि यदि पंडित रामकृष्णा अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु या व्यक्ति उन्हें भेंट कर दे, जिसे वो अपने साथ लेकर जाएंगी। देवी माँ ने सबको दर्शन दिए, पर हमको दर्शन क्यों नहीं दिए? तो बताइए पंडित रामकृष्णा जी कि आपके सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति कौन है? बताइए बताइए, हम सबको बताइए, कौन है आपके सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति? उपहास कर रही है ये। हाँ? इनका तो स्वभाव है उपहास करने का। हमारा
महाराज बिल्कुल हमारे मायके वालों की भांति ऐसे ही उपवास कर रही हैं। जी 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 महारानी, क्योंकि इन बातों में विश्वास करने योग्य कोई तथ्य ही नहीं है। तथ्य है पंडित रामाकृष्णा, क्योंकि केवल इन सब को ही नहीं, देवी माँ ने महारानी तिरुमालंबा को भी तो दर्शन दिए हैं। अब तो देवी माँ की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। हाँ। मित्रों अब समय है आज की पहेली पूछने का, तैयार हो जाइए। आज की पहेली है हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे। वाह, हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी दे बुझिए वरना पड़ेंगे डंडे। इसका सही उत्तर है ना 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 ना। इसका उत्तर तो मैं धारावाहिक के अंत में दूंगा ना। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, वो पंडित रामाकृष्ण, क्या सोचा आपने उस विषय के बारे में? किस विषय में महाराज? अरे वो देवी माँ की इच्छा पूर्ण करने के विषय में। ये बताइए कि आपको सर्वाधिक प्रिय कौन है? आप? हम? मेरे कहने का अर्थ है आप चिंतित ना हो महाराज, देवी माँ का यूं सबको दर्शन देना और ऐसी इच्छा प्रकट करना सत्य हो सकता है, किंतु कई बार झूठ सत्य का आडंबर धरकर बैठा होता है, इसलिए उस पर से आवरण हटाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। आप विश्वास रखें महाराज, सत्य का रूप धरकर बैठे इस झूठ का आवरण मैं हटा कर रहूंगा। हम महाराज के समक्ष कुछ कह नहीं पाए, तुम्हें क्या लगा वो खजाना तुम लोग हड़प लोगे? खजाना हमें दो, लाओ। ओ पंडित रामाकृष्णा। प्रणाम गुरुवर। क्यों पंडित रामाकृष्णा, वो सब क्या कहते हैं? समस्या विकट रामा प्रकट, किंतु अब तो विकट समस्या पंडित रामाकृष्णा के समक्ष प्रकट हो गई है। सोच विचार किया आपने, कौन है आपको सबसे प्रिय? गुरुवर मैं क्या, ये तो संपूर्ण विजयनगर को ज्ञात है कि मेरा सर्वाधिक प्रिय कौन है, वो कौन है जिसके बिना मेरा कोई काम नहीं चलता। अच्छा तनिका में भी बताइए कौन है वो? आप गुरुवर, आप ही तो हैं वो जिसे मैं देवी माँ को भेंट चढ़ाऊंगा। क्या 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 क्या? गुरुजी क्रोधित ना होइए, ये सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप देवी माँ के साथ देवलोक में जाएंगे। लाइए लाइए गुरुजी, खजाना हमको दे दीजिए, क्योंकि देवलोक में खजाना नहीं चलता है, स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलती है, हम चलाएंगे। लाइए। पंडित रामाकृष्णा, हम आपके प्रिय कब से हो गए? वर्षों से गुरुवर, वर्षों से। देखिए हम दोनों को ज्ञात है कि हम दोनों का एक दिवस नहीं बीतता जब हम एक दूसरे की टांग ना खींचें। अब दिन का भोजन हो या रात्रि का भोजन, वो तब तक नहीं पचता जब तक हम एक दूसरे से तर्क वितर्क नहीं कर लेते। तो उस आधार से आप ही मेरे सर्वाधिक प्रिय हुए कि नहीं? आइए मेरे सर्वाधिक प्रिय होने के नाते मेरे गले लग जाइए। हम आपके प्रिय नहीं। अरे आइए, हम आपके प्रिय नहीं है, नहीं है। सुनिए तो गुरुवार, इसे बात तो आपकी सही है, रामा के लिए हम दोनों सर्वाधिक प्रिय है, कहीं वो हम दोनों में से किसी एक को देवी माँ को भेंट ना कर दे। हमें लगता है कि वो आपको भेंट करेंगे। मुझे क्यों भेंट करेगा, मैं तो माँ हूँ उसकी, करना है तो तुझे भेंट करेगा। नहीं अम्मा, आपसे अधिक प्रेम करते हैं, तुझसे करता है, आपसे, तुझसे, आपसे,
तुझसे। अम्मा अब क्या करेंगे हम? शारदा आई आई, हाथ मुंह धो लीजिए, आज आपकी पसंद का भोजन बनाया है हमने, वो भी अपने हाथों से। अच्छा आज इधर परिवर्तन कैसे हो गया? रोज तो लाठी खिलाती थी, आज भोजन खिलाओगी? छोड़ी ना, चलिए चलिए। हाँ हाँ, सब मेरी पसंद का भोजन बनाया है, खाओ। अम्मा ये तो गरम जल है। अरे मिर्च लगे मुंह में कोई किसी को गरम जल पिलाता है क्या? पहले मेरे खाने में मिर्च पिला दिया, फिर मुझे गरम जल पिला दिया। अरे तुम दोनों की मुझसे क्या शत्रुता है? एकदम सही कहा, हम दोनों आपके शत्रु हैं, मित्र नहीं। अरे अम्मा भोजन खिलाने के समय मार खिला रही है अम्मा। अम्मा मेरी ओर से एक दो और लगाइए। एक मेरी तरफ से भी। तू चुप कर बंदू। एक तो मेरी पसंद का भोजन बनाकर उसमें मिर्च मिलाई, फिर मुझे गरम गरम जल पिलाया। अरे आखिर मैंने किया क्या है? क्योंकि ना आप हम दोनों के प्रिय हैं और ना हम दोनों आपके प्रिय हैं, समझ गए? तो अब देवी माँ को अपनी सबसे प्रिय वस्तु देते समय हम दोनों के विषय में एकदम नहीं सोचना। बंधु तू मुझे क्यों मार रहा है? क्योंकि तेरा सर्वाधिक प्रिय तो मैं नहीं हूँ ना। क्या बात कर रहे है बंधु, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो इकलौता तू ही है। अरे क्या कर रहा है बंधु? अरे किससे बातें कर रहा है? स्वयं से, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों में से किसे देवी माँ को भेंट चढ़ाना है। और अब मैंने सोच लिया है कि वो कौन है जिसे मैं देवी माँ को भेंट चढ़ाऊंगा, और मुझे सर्वाधिक प्रिय क्या है ये भी कल सबको राज दरबार में ज्ञात हो जाएगा। प्रणाम महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण, तो बताइए क्या निर्णय लिया है आपने? महाराज अत्यंत गहन विचार के पश्चात मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है। कौन है वो? हम सबको भी बताइए कि वो कौन है जिसे आप देवी माँ को अर्पण करना चाहते। बताइए बताइए पंडित रामकृष्ण, शीघ्र बताइए। अवश्य बताऊंगा महाराज, किंतु यहां नहीं, देवी माँ के मंदिर में। वहां आप सभी को ज्ञात हो जाएगा कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है और किसे मैं देवी माँ को अर्पण करने वाला हूं। कब तक इसी उलझन में उलझाए रखोगे पंडित रामकृष्णा? हे भगवान। महाराज अब मैं देवी माँ को वो अर्पण करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, और वो है मेरी अम्मा और मेरी पत्नी शारदा।
में किसे अर्पण कर सकते हैं? हम चले गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा हा? और मैं चली गई तो तुम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ, शांता, मुझे देवी माँ की इच्छा तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी ना, यही मेरा परम कर्तव्य है। हाँ, आओ, आओ, आओ। हे देवी माँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया आओ और मेरी भेंट स्वीकार करो। पधारो देवी माँ, आओ और मेरी ये भेंट स्वीकार करो। बोलो देवी माँ की जय। देवी माँ की जय। रामा, हम तुम्हारी भेंट से प्रसन्न हो। अब हम इन दोनों को अपने साथ लिए जा रहे हैं। अम्मा शारदा, आप दोनों ठीक तो हैं ना? प्रतीत होता है खुले नेत्रों से स्वप्न देख रही थी। पंडित रामाकृष्ण, यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ये जानने के लिए अति उत्सुक है कि आपका सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति कौन है जिसे आप देवी मां को अर्पित करने वाले। महाराज, इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही सबको मिल जाएगा कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है और किसे मैं देवी माँ को अर्पण करूंगा, क्योंकि वो जो कोई भी है इस समय यही उपस्थित है। कहीं बुढ़ा तो नहीं है? हे शिव शंभू, कहीं ये हमारा नाम ना ले दे। बच गए। अवश्य मेरा ही नाम लेंगे। ये ठीक है। पंडित रामाकृष्ण, हम जानते हैं हम आपके प्रिय हैं, परंतु आज नहीं। महाराज, इस संसार में मुझे सर्वाधिक प्रिय और कोई नहीं अपितु आप हैं। हम पंडित रामाकृष्ण, आप हमें भेंट स्वरूप देवी माँ को अर्पित कर देंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमारे महाराज को देवी माँ को अर्पित नहीं कर सकते। इतने वर्ष हम इनसे दूर रहे और अब जब पुनर्मिलन हुआ तो पंडित रामाकृष्ण आप महाराज को देवी माँ को अर्पण कर देंगे? ऐसे कैसे अर्पण कर देंगे आप? महाराज पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है जो महाराज को भेंट चढ़ा देंगे ये। अरे 20 वर्षों तक हम समस्त विजयनगर की प्रजा इस स्वर्णिम युग के आने की प्रतीक्षा की है जो महाराज के आने से संभव हो सकता है, और जब ऐसा होने वाला है तो आप महाराज को देवी माँ को अर्पण करने की बात कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। मैं देवी माँ के साथ छल कैसे कर सकता हूँ? देवी माँ से छल नहीं कर सकते, किंतु विजयनगर की प्रजा के साथ आप छल कर सकते हैं। हम भी देखते हैं आप कैसे देवी माँ को अर्पण करते हैं महाराज को। इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि तू महाराज को देवी माँ को अर्पण कर दे। माँ, मैं सत्य के आगे विवश हूँ ना। चुप रहिए आप पंडित रामाकृष्ण, चुप रहिए। यदि महाराज नहीं होंगे तो प्रजा का पालक कौन होगा? कैसे चलेगा ये राज्य? क्या विजयनगर साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा? क्या विजयनगर गुरुवर, ये विषय देवी माँ के प्रति प्रजा की आस्था से जुड़ा है। किसी भी राजा का प्रथम कर्तव्य होता है
कि वो अपनी प्रजा के हित में कार्य करे। नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानातु प्रियम हितम। अतः हम अपनी प्रजा के हित में पंडित रामकृष्णा द्वारा देवी मां को अर्पित किए जाने के लिए तैयार हैं।